हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल नीतू स्पेशल किचन। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जच्चा के लड्डू जो कि डिलीवरी के बाद न्यू मॉम को दिए जाते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इन्हें कोई भी खा सकता है, आप भी। ये सर्दियों में बनाकर खाए जाते हैं और यदि किसी के जॉइंट में दर्द रहता है तो वो भी इन्हें बनाकर खा सकता है। इनसे बहुत आराम मिलता है, तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए ये मैंने काजू लिए हैं, ये मैंने 2 पीस में लिए हैं, ये मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं और ये मैंने लिए हैं बादाम। ये मैंने लिया है 1/4 कप यानी कि 100 ग्राम गोंद। ये मैंने लिया है 1/3 कप ड्राइड जिंजर पाउडर जिसे कि सोड बोलते हैं। ये मैंने लिया है 1 कप ग्रेटेड नारियल। ये मैंने लिया है 2 कप आटा, 2 कप बूरा। ये मैंने लिया है 1/2 किलो घी, देसी घी। तो पहले हम लोग गोंद को भूनते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस मैंने जला दी है, इसे मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। हम इसमें काजू, बादाम, मखाने और गोंद इन सबको तलेंगे। आप जब भी ड्राई फ्रूट्स डालें इसमें तो ऐसे घी में तलने के बाद ही डालें, उससे लड्डू का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और वो हेल्दी भी हो जाते हैं। आप ये सारा सामान कच्चे घी में बिल्कुल ना भूने, नहीं तो इनमें घी भर जाएगा। घी मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोंद। आप गोंद को मीडियम फ्लेम पर ही भूने, बल्कि लो फ्लेम पर भूने तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ये अंदर तक भुन जाएगा। जब आप गोंद को इस घी में डालेंगे तो आप देखेंगे ये फूल जाएगा। आप इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनते रहें जिससे कि ये अंदर तक सिक जाए। और ज़्यादा क्वांटिटी में घी में गोंद कभी भी ना डालें, ऐसे 1-1 चम्मच करके ही भूनते रहें। ये मेरे भुन चुके हैं, मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ और दूसरे इसमें छोड़ देती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और बादाम। हम इन्हें भून लेंगे, उसके बाद इसे काट लेंगे। आप चाहे तो इस सारे सामान को मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, थोड़ा दरदरा पीस लीजिए, लेकिन बारीक कटा हुआ ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इन्हें बारीक ही काटूंगी। ये भुन चुके हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं मखाने भून रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मखाने। मखाने मेरे भुन चुके हैं, मैं इन्हें भी बाहर निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स आप अपनी टेस्ट की अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको कम करने हैं कम कर लीजिए, और ज़्यादा डालने हैं तो आप ज़्यादा मात्रा में भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, और इसमें आप और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें आटा भूनेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी, और जिससे कि आटा बहुत अच्छे तरीके से भुने, उसमें घी की कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ आटा। हम आटे को मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पर भूनने से इसके अंदर एक धीमी धीमी खुशबू आएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आटा भुन गया है। मेरे हिसाब से घी इसमें कम है, मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। हमने 1/2 किलो घी लिया था, हम उसी में से यूज़ कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे हमारा घी कितना इस्तेमाल हुआ है। बाकी तो आपके ऊपर है, आप कितना घी इसमें यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें और भी घी डाल सकते हैं। आटा मेरा भुन चुका है, अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। अब मैं इसके बाद सॉल्ट भूनूँगी। अब मैंने डाला है इसमें 1 चम्मच घी। इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई जिंजर पाउडर। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। ये मेरा भुन चुका है, इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं कोकोनट भूनूंगी। अब मैं ये ग्रेटेड नारियल इसमें डाल रही हूँ बिना घी के। ये हमें घी में नहीं भूनना होता, ये हम लोग ऐसे ही भूनेंगे। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी अंदर घी होता है। ये मेरा भुन चुका है, मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और इन सब सामानों को मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स मेरे ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको काट लेती हूँ। ये मैं ऐसे ही सारे काट लेती हूँ। ये सारा गोंद मैं इसमें फोड़ लेती हूँ। मैं ऐसे ही सारे तैयार कर लेती हूँ।
ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसी तरह मखानों को भी तैयार कर लेती हूँ। मैं इसमें फोड़ लेती हूँ। ये देखिए आप इस तरह दरदरा ही रखें। ये मैंने फोड़ लिए हैं, मैं इसी तरह सारे तैयार कर लेती हूँ। मैं ग्रेटेड कोकोनट को मिक्सी में पीस लेती हूँ। आप चाहे तो इसे एज इट इज़ डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बारीक पिसा हुआ पसंद है। मेरे पास फ़िलहाल बारीक पिसा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये मैंने सारे पीस लिए हैं। मैं ये कोकोनट को भी बाहर निकाल लेती हूँ। अब हम लोग इसके लड्डू तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, आटा मेरा ठंडा हो चुका है, सॉल्ट भी मेरी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे मिक्स करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे और इसमें बूरा मिलाएंगे। फ्रेंड्स, बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है या कम मीठा पसंद है। मैंने 2 कप आटे में 2.25 कप बूरा मिलाया है। यदि मुझे कम लगा तो मैं और मिला लूँगी। वैसे 2 कप में 2 कप सही रहता है नॉर्मल लड्डू के लिए। यदि आपको कम पसंद है तो आप कम मिला लीजिए, और आपको तेज मीठा पसंद है तो थोड़ा और तेज मिला लीजिए। फ्रेंड्स, आपको सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि आपका आटा जो आपने भूना है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। यदि वो गर्म होगा तो आप उसमें बूरा मिलाएंगे तो वो एकदम पतला हो जाएगा। वो बहुत ही हल्की मात्रा में गर्म होना चाहिए, जिससे कि हम उसमें बूरा मिलाएं तो वो आपस में बस सिर्फ हल्का हल्का चिपक जाए। यदि आपका तेज़ गर्म होगा तो आपके सारे लड्डू ख़राब हो जाएंगे। ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप इस तरह मुट्ठी बीच कर देखिए, ये लड्डू आराम से बन रहे हैं। तो मैं ऐसे लड्डू तैयार कर लेती हूँ। ये फ्रेंड्स, हमारे लड्डू एकदम बन के रेडी हैं। मैं ऐसे ही सारे रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा आधी किलो में से बस ये थोड़ा सा ही घी बचा है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे घर का निकाला हुआ घी है, उसमें से ये सिर्फ इतना बचा है। आप इस आटे को इस तरह उठाइए और इस तरह हथेली पर मल लिए। इससे आपके लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेंगे और आपस में बहुत जल्दी, ये देखिए, चिपक जाएंगे। ये मेरा लड्डू एकदम रेडी है। ये आप देख सकते हैं कितना उछालने के बाद भी ये फूट नहीं रहे। फ्रेंड्स, ये लड्डू मैंने बनाकर तैयार करके सर्व कर लिए हैं। आप एक बार न्यू बॉर्न बेबी की मम्मी के लिए ये लड्डू ज़रूर बनाएं। उन्हें ये बहुत अच्छे लगेंगे और उनकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे होंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।